हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि व्हाट्सअप स्टेटस पर फोटो के साथ म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम यूज करके आप ऐसी वीडियो बना सकते हो, लेकिन काफी सारे कमेंट आया कि हम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो कैसे म्यूजिक ऐड करें। तो आपके लिए दो टिप्स लेके आया हूँ, तो स्किप नहीं करना है, क्योंकि छोटे छोटे सेटिंग्स है, वो सेटिंग आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या क्या करना है। ठीक है, तो पहले ओपन कीजिए फेसबुक। ठीक है, फेसबुक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्टोरी पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए जो फोटो आप लगाना चाहते हो स्टेटस पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ वो वाला इमेज जो मुझे लगाना है व्हाट्सएप स्टेटस पर। ठीक है, तो ये वाला इमेज मैंने सिलेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पे जूम आउट जूम इन कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे ही कर देना। इसको थोड़ा रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे स्टिकर का आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक का ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं म्यूजिक का ऊपर क्लिक कर दिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे सारे म्यूजिक और गाने मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे सर्च भी कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे मिल गया है, ये वाला म्यूजिक मुझे लगाना है। तो आपको क्या करना है, इसको प्ले भी कर सकते हो और डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्ले कर देता हूँ और ये प्ले हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस गाना का सेंटर पर क्लिक कर देना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे ही रख देना है, और इसको थोड़ा सा साइड करके रखना है ताकि और भी अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रख दिया और ये फाइनल है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिकर पर फिर से क्लिक करना है। ठीक है, तो ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिलिंग्स वाला जो ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप जो फिलिंग्स यहाँ पे रखना चाहते हो वो वाला इमोजी पर क्लिक कर देना है, और ये रह जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे कूल वाला इमोजी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको उसका साइज में रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करके कोई भी एक फिल्टर लगा देना है जो आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल मुझे ये वाला फिल्टर मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको करने के बाद आपको शेयर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका स्टोरी पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 10 सेकंड आपको वेट कर लेना है, उसके बाद आपका जो अपलोडिंग जो वीडियो है आपका स्टोरी पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हाफ हो चुका है और यहाँ पे फुल हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको प्ले कर देना है। आपका स्टोरी पर जाइए और इसको प्ले कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये प्ले हो चुका है, वही वाला गाना है और वही वाला इमेज है। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव वीडियो कर देना है। ठीक है, तो सेव वीडियो पर जब आप क्लिक करोगे, ये वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस पर लगाने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये था, जो लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते वो लोग फेसबुक यूज करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि स्टेटस पर ये वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेटस रख सकते हो, और जो लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं अभी से उनके लिए ये वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड कर देना है, स्टोरी पर ले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद गैलरी में जाके आपको वो वाला इमेज सेट करना है जो आप लगाना चाहते हो। ठीक है, मैं वही वाला इमेज यहाँ पे सेट करके आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो वही वाला इमेज है ये, और इसको फिल्टर भी दे सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक फिल्टर दे दीजिए, और ये देने के बाद डन कर दीजिए। उसके बाद स्टिकर का आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन है, तो आपको म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सारा म्यूजिक यहाँ पे आ जाएगा और गाने भी आ जाएंगे। और जो नहीं मिल रहा है तो आपको सर्च म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी एक गाना सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे उसका लिरिक्स नहीं रखना चाहता हूँ, बस उसका ऑडियो रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यह कैंसिल कर देना है। अगर आप लिरिक्स रखना चाहते हो तो लिरिक्स भी रख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं वो वाला म्यूजिक लगाना चाहता हूँ जो ईगल का है। तो यहाँ पे आ चुका है वो वाला म्यूजिक जो मुझे लगाना है। ठीक है, ईगल का है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, इस तरह भी रख सकते हो और इस तरह भी रख सकते हो। फिलहाल मुझे ए वाला अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, सेम जूम आउट जूम इन कर सकते हो। ठीक है, ये सब करने के बाद स्टिकर पर क्लिक करना है, उसके बाद इमोजी पर क्लिक करना है। ये करने के बाद नीचे दिया गया है जितना भी इमोजी आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन आपका गाना के हिसाब से यहाँ पे इमोजी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इमोजी है, तो फिलहाल मुझे ये वाला इमोजी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे
इसको जूम करके उसका साइज से रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके और इसको छोटा भी कर देना है, ये करके आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको यहाँ पे योर स्टोरी पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टोरी है तो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 सेकेंड वेट कर लेना है, उसके बाद आपका स्टोरी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है आपका स्टोरी पर, उसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेव वीडियो कर देना है, ठीक है। ये तो सेव वीडियो तो हो जाएगा लेकिन म्यूजिक नहीं रहेगा भाई, म्यूजिक के लिए तो इतना बनाया तो म्यूजिक नहीं रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है, कैंसिल करके आपको यहाँ पे कॉपी लिंक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर टू पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन मेनू में आ जाना है और फिर चले जाना है क्रोम ब्राउजर को और सर्च बार में टाइप करना है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे साइट है, आपको एक साइट को विजिट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो कॉपी किए थे, इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद डाउनलोड का ऊपर क्लिक कर देना है, ये आई एम नॉट ए रोबोट ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट जहाँ पे है उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर देना है, ठीक है। ये डाउनलोड आपका हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सब्सक्राइब कर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टेक केयर, बाय बाय।